झूठा दावा इमरान नियाजी ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ किया था। मैं आज कौम को बताना चाहता हूँ कि बावजूद बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शंस के, हमने काली पट्टियाँ बांध कर ऐवानों में हल्फ उठाया कि शायद इस लूली लंगड़ी जमहूरियत का भला हो जाए, शायद इमरान नियाजी कुछ करके दिखाए। करके क्या दिखाना था, जो इतनी मेहनत से नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब ने, हमारी टीम ने मेहनत की, 5.8% ग्रोथ रेट छोड़कर गए, सीपैक के तहत अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई, और ये तलाशी की बात करते हैं, 1300 अरब रुपया, कितना 1300 अरब रुपए खर्च हुए मुख्तलिफ मंसूबों में। चाइना का जो सीपैक का मंसूबा है, मोटरवेज बनी, बिजली घर बने, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, हमने झूठे दावे नहीं किए, अल्लाह के फजल से काम करके दिखाया। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि जब शहबाज शरीफ ने बतौर कायदे इस इख्तलाफ कहा कि हम तमाम तर इलेक्शन में धांधली के तहफुजात के बावजूद आपको मिसाक मईशत की बात करते हैं, ऐवान के अंदर दूसरी तरफ से जो हकूमती बेंचेस हैं, चोर डाकू के नारे लगाए गए, नवाज शरीफ से कहा गया हिसाब दो, उन चीज़ों का हिसाब मांग रहे हैं जिसमें उनका नाम नहीं है, और पनामा से बात शुरू हुई, अकामा पे आके ख़त्म हुई। मैं कहता हूँ कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, शहबाज शरीफ को धोखे से बुलाया कि नैब नियाजी नट गठजोड़ के नतीजे में साफ पानी में गिरफ्तार किया। आज साफ पानी का केस अवाम जान ले, 16 मुलजमान बरी हो चुके हैं। इमरान नियाजी साहब, ये अवामी अदालत है, एक झूठ बोलोगे, दो झूठ बोलोगे, कितने ने झूठ बोलोगे, अब तुम्हारे झूठ भी ख़त्म हो गए हैं। और ये बड़े तम तराक से कहता था कि तलाशी दो, अब इससे भला कोई पूछे, मैं तो पूछता हूँ, अब पाकिस्तानी कौन पूछे कि तोशाखाना रेफरेंस, तोशाखाना की बात करें तो ये पतली गली से छुप जाता है, इसके वज़रा कहते हैं कि हमसे सवाल ना करो। और भाई रियासत मदीना की मिसाल देते हो, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला से पूछा गया ये कुर्ता कहाँ से आया है, तो तुम जो रियासत मदीना के झूठे दावेदार बनते हो, तुम बताओ कि तोशाखाना में तुमने क्या क्या अपनी जेब में डाला है और डिक्लेयर तक नहीं किया। आज मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, नवाज शरीफ को जेल में डाला, शहबाज शरीफ को 2 मरतबा जेल में डाला, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, किस किस का नाम लूँ, हनीफ अब्बासी, हाफिज नौमान, ख्वाजा सलमान रफीक, किस किस का नाम लूँ। और पाकिस्तानी कौम याद है ना, ये कहता था मेरा बड़ा दिल करता है मैं लोगों को जेलों में डालूं और लूटा हुआ पैसा लेके आऊं। ये शहजाद अकबर जो इसके 9 रत्नों में से एक है, इसके जो तमाशबीन बुजरा हैं, कभी कहते ये मनी लॉन्डरर है, इसने ये अकाउंट छुपाया है, फड़ां चपड़ासी के नाम पर पैसा आया है, 4 साल से मुस्लिम लीग जो है वो या जेलें भुगत रही है या वो अदालतों में रोज़ पेशियां भुगत रही है। और ख़ुदा के फजल व करम से अरबों के मंसूबे कागजी नहीं हैं, इमरान नियाजी के नए पाकिस्तान के झूठे नारों की तरह
मोटरवे मुल्तान लाहौर मोटरवे देखिए, बिजली के मंसूबे देखिए, कराची से लाहौर मोटरवे देखिए, उधर साउथ में जहां पर उन्होंने झूठा नारा लगाया था, साउथ के लोगों से भी मजाक किया, ना वहां पे सूबा बन सका। जाके देखें खानेवाल लोधना रोड देखें, एक्सप्रेसवे हासिलपुर बहावलपुर रोड देखें, तैयब अर्दगान हॉस्पिटल देखें, यहां लाहौर में किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट देखें। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज ऑपोजिशन ने इसको क्या बेनकाब करना था, जब खुदा की ज़ात सुनती है, वो दिलों के हाल जानती है कि ये इमरान न्याजी रोज़ आकर झूठ बोलता है, पार्लियामेंट में झूठ बोलता है, अवामी इज्तमाओं में झूठ बोलता है, और उसकी कली खुल गई जब ना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ साबित हो सका और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने कहा कि 22 महीने हमने सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट मुंजमद रखे, 22 महीने वहाँ पर बरतानिया में आईन और कानून की हुक्मरानी है। अब ये किस मुंह से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्ज़ाम लगाता है? हाँ, आज पाकिस्तानी कौम को मैं बताऊंगा, मैं जेब से पर्ची निकाल कर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, आज मैं पाकिस्तानी कौम के सामने सच रखूंगा। वो सच क्या है पाकिस्तानी कौम सुन ले, ध्यान से सुन ले, कि ये जो साफ चली शफाफ चली इंसाफ की हुक्मरानी होगी, रियासत मदीना होगी, आज इमरान न्याजी की करतूत मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, लेकिन मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे सिखाया है कि अल्लाह से डरकर ईमानदारी से चलो। तो आज साफ चली शफाफ चली, अब आप सुनिए मेरी बात गौर से सुने, 14 मुल्कों से, कितने मुल्कों से, 14 मुल्कों से, और मैं नाम पढ़ूंगा, डेनमार्क, जर्मनी, यूएई यानी मुत्तहदा अमारात, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरेबिया और नॉर्वे, 14 मुल्कों से जो फंडिंग रिसीव हुई उसको छुपाया गया। ये मैं, मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ, इमरान न्याजी की तरह कंटेनर से पीछे से पर्ची मुझे किसी ने नहीं पकड़ाई। ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है। किसका रिकॉर्ड है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और अब तलाशी लेने वाले की करतूत सुनो, 2008 में 5 अकाउंट छुपाए गए, यानी किसी और ने दस्तखत नहीं किए, इमरान न्याजी ने अपने दस्तखत से रिकॉर्ड जमा कराया और 2008 में 5 अकाउंट छुपाए गए, 2009 में 7 अकाउंट छुपाए गए, स्टेट बैंक कह रहा है, 2012 में 14 अकाउंट छुपाए गए, ये 2008, 2007, 2012 कितने बने? 27 अकाउंट इसने जमा ही नहीं कराए। और वहाँ पर जो इसके पार्टी के उद्धारान हैं, उन्होंने कोई डिटेल जमा नहीं कराई। और मैं आपको ये बताऊं, इसमें इंडियंस का पैसा आया, हिंदुस्तान के लोगों ने पैसे भिजवाए, जो इमरान न्याजी ने पाकिस्तानी कौम से छुपाए, स्टेट बैंक से छुपाए, एफबीआर से छुपाए, टैक्स इदारों से छुपाए, ईसीपी से छुपाए। आज 4 साल बाद जब पाकिस्तानी कौम के बच्चे भूखे हैं, जब किसान खाद को तरस रहा है, जब लोग पेनाडोल जैसी दवाई के लिए भी धक्के खा रहे हैं, जब कैंसर के मरीज जो
मुस्लिम लीग के दौर में मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी कैंसर के मरीजों को, आज वो धक्के खा रहे हैं, उनको दवाई नहीं मिलती। आज लोग बेघर हो गए, लाखों लोग इस 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने के झांसे में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 4 साल बाद आज खुदा ताला ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, तो क्या आज इमरान नियाजी को अवामी अदालत में पेशी नहीं देनी चाहिए? क्या जो 27 अकाउंट छुपाए गए 14 मुख्तलिफ ममालिक से, तोशा खाने में जो कार्रवाई करतूत की, क्या इसका हिसाब कोई लेने वाला है? क्या बनी गाला का महल लाखों में उसने रेगुलराइज करा लिया और गरीब के झोंपड़े और दुकानों की बारी आई तो उसने कहा बुलडोजर फेरा दो? ये कौन सा नया पाकिस्तान का भाषण देता है? ये कौन सी रियासत मदीना की मिसाल देता है? आज इमरान नियाजी कान खोल के सुन लो,